So, hey guys, welcome back to my channel, जिसका नाम है डेविड लाइफ। और डेविड लाइफ में आज मेरे साथ है मेरे पापा, वो तो हमेशा ही होते हैं, और बुमडोरी भी, ठीक है। और मैं शायद आप लोग जानते होंगे, छोटा इंसान। तो आज का व्लॉग होने वाला फूड चैलेंज, जो कि आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आइडियाज देते हो कि आप पापा के साथ प्रैंक करो, या फिर फूड चैलेंज करो, या फिर टूर पे जाओ, या फिर शॉपिंग की कोई चीज़ें करो। तो उन सब चीज़ों का तो लॉकडाउन खुलना बहुत ज़रूरी है, तो अभी फिलहाल तो लॉकडाउन खुल गया है तो हम वो चीज़ भी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग करेंगे फूड चैलेंज। वैसे इसमें मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं तो सिर्फ खाने के लिए शामिल हूँ। भूख लग रही है, उन्हें भूख लग रही है। और सच बताऊँ दोस्तों कि ये प्लान जो है, ये बेटे और बेटे का फ्रेंड, मेरे बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत हमारी इज्जत करती है, बहुत ख्याल रखती है, दुला रही है, दुला रही है। सारे इसके जितने भी परिवार है सब हमें इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, मान करते हैं, बहुत ही प्यारी है, अच्छी है। बाकी आगे आप भगवान का मर्जी और जब भी किस्मत रखें, हम तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा उम्र भर के तक के लिए हमारी बेटी बन जाए, तो मैं खुश रहूँगा। बस ज़्यादा लंबी बातें बोल दी, इसको मत करना। तो हम बिना किसी चीज और बिना किसी परेशानी के और बिना किसी प्रॉब्लम के हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हम टेबल को लगा लें कि आप दिखा तो देखिए हम किस चीज़ के ऊपर फूड चैलेंज करने वाले हैं। तो बस ज्यादा नहीं, दो मिनट जब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो आते हैं दो मिनट। तो ये गाइस, हम लोगों ने टेबल सजा लिया है और फूड चैलेंज के लिए हमने लिया है मैगी रोल और स्टिंग और हैंड सैनिटाइजर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने अपने हाथ जोड़ के धीले कर लो सब लोग, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने हैंड सैनिटाइज कर लिया है। सो आपको आगे का रूल्स बता देता हूँ, क्या रूल होने वाला है। 10 मिनट का टाइम रहेगा, 10 मिनट के अंदर हमें इसे फिनिश करना है। जो सबसे पहले खाएगा वो विनर तो हो ही जाएगा, और जो सेकेंड और थर्ड, जो थर्ड होगा उसे मिलेगी पनिशमेंट, और फर्स्ट और सेकेंड मिलके, या फिर फर्स्ट सेकेंड कोई भी हो सकता है, वो मिलके थर्ड के लिए पनिशमेंट बताएंगे। पनिशमेंट क्या होगा वो थर्ड वाले को बताएंगे और वो पनिशमेंट पूरी करेगा। तो हम टाइम वॉच हमारा पाए, टाइम वॉच और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा, इतना तो सबको ही पता है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे और फिर यहाँ पे हम दूसरा चालू करेंगे, उसके बाद ना स्टार्ट करने से पहले, तो मतलब घट में तो मैं ही आऊंगा। कुछ भी डिसाइड है, यहाँ पर थर्ड बोलने वाला है, कोई बात नहीं, देख लेना, कोई भी हो सकता था भाई। सबसे पहले तो मैं ही शुरू करूंगा, ठीक है भाई। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखो ये ना पहले से आना है, बढ़ाना है, नहीं है थर्ड नंबर पे आना है, जरूरी नहीं है। आप तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अरे भाई ये देखिए रोटी बन गई है यार। मैंने तो पहले ही बोला था कि गरम गरम नहीं, नहीं क्या करें भाई, सही है, अरे बाबा पगुआ आपका खाने में मुँह से खा, नाक से मत खा। भाई मुँह से खा रहा हूँ, तो तेरा पौवा दे दिया मैंने, पौवा मीन्स मीन स्टिंग। तो बात कर, हम खाएंगे, कर ही रहा हूँ। वैसे दोस्तों आज जिंदगी में पहले बार मैं बच्चों के साथ बैठ कर खा रहा हूँ, बहुत खुशी आ रही है, बहुत खुशी हो रही है, मजे भी आ रही है। हमारे जमाने में तो ये सब होता ही नहीं था, बस नए जमाने के नए बच्चे लोग हैं, बच्चों का क्या क्या शौक है, क्या क्या वो होती है, मुझे तो मालूम नहीं, मतलब सिर्फ खाने के लिए जुटा हूँ, खाऊँ। आप गेम से बाहर जा सकते हो, पहले कोई दिक्कत वाली बात ठीक है, मतलब मैं तो दोनों एक साथ खाऊंगा। रोहित सिंह ने मैंने बहुत पसंद किया है, सबसे अच्छा लगता है। पापा का फेवरेट है स्टिंग, क्योंकि इसे एनर्जी बढ़ती है ना, समझ जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? प्याज
can you tell me what is going on inside your mind? भाई पापा जीत जाएंगे यार भाई पनिशमेंट नीचे भाई जूता खाते हैं वो ज्यादा खाता है, जो बात करता है वो कम खाते हैं। मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ यार, तो इसमें कुछ बुराई है नहीं। अरे मुझे बोला कि निकाल मत, देखो कितने निकाला है। वैसे भी पापा के साथ बहुत कम बैठ कर खाना वाना खाता हूँ मैं, बहुत कम, क्यों टाइम नहीं मिलता है। पापा 7-8 बजे खाना खाते हैं और मैं 9-10 बजे, काम ही ऐसा रहता है मेरा, मैं किसी के साथ बैठ कर खाता ही नहीं हूँ, बस अपना खाया पिए निकल गया। खाए पिए निकल गए, खाने के लिए इंतजार नहीं करता हूँ मैं किसी को। और जिसने जो खड़ा वही छोड़ दिया, वह आ रहा है सुबह 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट 6 सेकंड हो गया है। म्यूजिक 5 मिनट में आपको बताऊंगा कौन जीता और कौन हारा, ठीक है। वैसे मैं दिखा देता हूँ, मेरा मैगी खत्म है और मोमो का मैगी रह गया है और पापा का मैगी खत्म है और पापा का रोल भी आधा से ज्यादा खत्म है और मोमो का रोल भी आधा से थोड़ा सा आधा कम है और मेरा तो पूरा आधा बाकी है। बाकी का 5 मिनट बाद, बस 5 मिनट। A few moments later. So, अब आपको बता देते हैं कौन जीता और कौन हारा। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या है, ये है रसगुल्ला। गुलाब जामुन, मतलब गुलाब जामुन। अरे हाँ यार, शिट मैन, तो ये गुलाब जामुन है और खाने का कुछ मीठा हो जाए इसलिए मैं लेके आया था। और बता दे तो कौन जीता, पापा जीते, मोमो जीती, हाँ मुझे पता है, तो और मैं हारा क्योंकि मेरा रोल सबसे ज्यादा था और मेरी मैगी खत्म थे, लेकिन इसका मैगी बहुत कम था, रोल भी आधे से ज्यादा खत्म था। पापा को तो मैंने बता ही दिया था पूरा आधा से कम रोल था, मैगी पूरा फिनिश नहीं था, सबसे ज्यादा था। मैं बड़े था ना तो मैं ज्यादा ज्यादा ही लेके खा। तो पता नहीं पनिशमेंट क्या है, मुझे भी नहीं पता, मेरे को खुद नहीं पता कि पनिशमेंट क्या है। ये लेके आए पनिशमेंट, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाई है, क्योंकि मैं हार रहा हूँ तो पापा ने और मोमो ने मिलकर डिसाइड किया पनिशमेंट इसको दे दो, ये साथ साथ में खाएगा, हम लोग मिठाई खाएंगे। तो मैं बता देती हूँ पनिशमेंट क्या है। अब इसकी एक स्टूडेंट है जिसने इसे नीम के पत्ते का जूस बना के दिया, मतलब पूरे नीम पत्ते गिर के पता क्या क्या बना के उसने जूस दिया, बहुत कड़वा है, इसको पीने के लिए दिया था बट ये पी नहीं रहा था। तो भाई यही पिलाओगे क्या, पीना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मैं और मैं इसे जूस पिलाने वाली हूँ और लिटरली ये नीम के पत्ते का जूस है जो इसके स्टूडेंट ने बनाया, उसका नाम अंजलि है। थैंक यू सो मच लेने के लिए। और
वाला है। गुलाब जामुन भी नहीं मिलेगा, मतलब तुम गुलाब जामुन खाओगे हम ये पी लेंगे। चलो ये गुलाब जामुन से अच्छे हैं ये हरे जामुन। हाँ खाओ पियो, तुम्हारे अच्छे के लिए। अब डाल दो ये खाओ, तुम देखते रहो ना, आधा पी ले, थोड़ा नुकसान करेगा। हाँ बहुत ठंडे होते हैं, आधा थोड़ा सा पी लो एज पनिशमेंट क्योंकि बहुत कड़वा है। जल्दी है, इतना कड़वा भी नहीं होता है। बस रुको। हे हे सॉरी भाई, बाप बेटी खा रहे थे, दूसरा बेटा भी खा रहे, दूसरा बेटा क्या ये तो और कड़वा लग रहा खा के याद सच में गुलाब जामुन कड़वा लग रहा है। तुमने सच में पी लिया? उल्टी मत कर देना। तो देखो गाइस, तुम्हें पनिशमेंट दिया था, पता नहीं मैंने छुपा कर रखा था इसे, तीन चार दिन से छुपा कर रखा था कि नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, मेरे पापा पीछे पड़े हुए थे, बट इस दिमागदार इंसान को हमारे दिमागदार पापा ने बता दिया कि फ्रिज में रखा हुआ है, तो निकाल के पनिशमेंट के तौर पर यही पिला दिया। भले के लिए, भले के लिए। देखो बाप बेटे दोनों मिलके, मैंने बोला था ना कि दोनों मिल जाते हैं तो फिर ढंग से ले लेते हैं, भले के लिए भला ही सोचते हैं मेरा। देखो आपको अच्छा सोचा तभी तो आपको ये दे दिया खाने के लिए, धन्यवाद उसके लिए। सो गाइस, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को हमारा ये फूड चैलेंज पसंद आया हो। पापा फर्स्ट टाइम हमारे साथ बैठ के मतलब चैलेंज कर रहे हैं, और वीडियो में तो आपको देखा ही होगा, पिछले वीडियो सिर्फ गाना गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, और आप लोगों को अच्छा लगता है, आप प्यार देते हो, और ये घुमड़ोरी भी है। चलो, और आज से लगभग 60 साल के अंदर मरने से पहले हमें ये काम करने तो मिला। अरे बाबा, इन फ्यूचर बहुत कुछ होगा, अभी तो बहुत कुछ करोगे, तो स्टार्टिंग है। मरने से पहले थोड़ा नाटक तो कर पाए, अच्छा लग रहा है वैसे। खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी और आप लोग हमें सपोर्ट करते हो। और सो गाइस, एक बात और, इसका चैनल है यूट्यूब पे, वो मैंने लिंक कर रखा है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, नीचे कहीं भी जाके आप देख सकते हो हमारी मस्ती में प्रिंसेस चैनल। यस, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका चैनल फॉलो कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, मतलब अपना प्यार दे सकते हो इसको भी, जैसे मैं प्यार देता हूँ, मेरे पापा प्यार देते, तो आप लोग भी प्यार दीजिए इसको, तो आप इसको भी अपना प्यार दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, और घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, जैसे हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली फॉर फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।